मेरे पास दो मूवीज थी, ऑब्वियसली उसमें से एक ही मूवी देखने का मुझे ऑप्शन था एक दिन के अंदर, इतना ही मेरे पास टाइम था। और मैंने सच में इतना घटिया डिसीजन लिया कि मैंने इतनी वाहियात मूवी देखनी, मैंने पहले सोचा कि यार ये वाली मूवी सबसे पहले देखते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले सिंघम अगेन मूवी के बारे में। इसकी जो लेंथ है वो 2.5 घंटे के आसपास है, मतलब समझ नहीं आता कि कौन है ऐसे लोग जो इस तरीके की घटिया वाहियात मूवी की डिमांड करते हैं, या फिर मेकर्स धक्के से लोगों के ऊपर इस तरीके की घटिया मूवीज जो है वो थोप रहे हैं जनता के ऊपर। आएंगे ये मूवी कितना ज्यादा हमारे सर में दर्द कर देती है, या फिर इस मूवी में क्या अच्छा नहीं, कितना ज्यादा बुरा है इस मूवी में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले इस मूवी की कहानी की हम चर्चा कर लेते हैं। एक ऐसी कहानी मुझे लगता है कि आज तक किसी महानायक ने सोची भी नहीं होगी, ऐसा कोई राइटर पैदा नहीं होगा हुआ होगा आज तक कि इस मूवी की कहानी वो सोच सके। लेकिन हाँ, ये इस मूवी को आप देखेंगे तो आपको पता चले कितनी महान कहानी इस मूवी के अंदर लिखी गई है। तो भैया ऐसी बात है, अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा तो ऑब्वियसली आपको इस मूवी का एक एक मिनट क्या एक एक सेकंड की कहानी पता चल गई होगी कि मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलने वाला है। इसके 5 मिनट के ट्रेलर ने मुझे स्टार्टिंग में ही बोर कर दिया था जब इस मूवी का ट्रेलर आया था। हालांकि मैंने उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, फिर भी सोचा कि यार ट्रेलर देखकर उसकी कहानी के बारे में या उस मूवी के बारे में जज नहीं करते, क्या पता मूवी अच्छी निकल जाए। ये भी होप मैंने रखी, इतनी घटिया ट्रेलर देखने के बाद भी होप मैंने रखी क्या पता अच्छा निकल जाए। लेकिन नहीं भाई, वो बॉलीवुड है, बॉलीवुड से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, घटियापन की उम्मीद कर सकते हैं। और इनके पास घटिया की एक एक चरम सीमा है, मतलब कोई आज ये स्टैंडर्ड सेट कर देंगे ना, यहाँ पर सिंघम अगेन मूवी देखेंगे आप लगेगा इससे वाहियात इससे घटिया मूवी नहीं होगी, ये स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए। लेकिन बॉलीवुड इसको एक चैलेंज के तरीके से लेगा, वो इससे भी महान घटिया मूवी जो आप लोगों के सामने ला के रख देगा, ये गारंटी है। उन्होंने किया ही ऐसा, चाहे वो कलंक बात कर लो, चाहे आदि पुरुष बात कर लो, इतनी वाहियात मूवीज आ चुकी है। चाहे अभी सिंघम अगेन की बात करूं, अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा तो इसकी ऑब्वियसली कहानी पता, जिन्होंने नहीं देखा तो थोड़ा बहुत एड ऑन मैं कर देता हूं इसकी कहानी के बारे में। तो देखो, बाजीराव सिंघम है, उसकी वाइफ को कोई किडनैप करके श्रीलंका लेके चला जाता है और रामायण का यहाँ पर दृश्य जो क्रिएट करने की कोशिश की है। सिंघम को श्री राम जी से तुलना की गई है और जो सिंघम की वाइफ है उनको माता सीता से तुलना की गई है। फिर वहां पर एक तरफ से रामायण को दिखाया जाता है, रामायण का एक दृश्य दिखता है, फिर साथ ही साथ यहाँ पर पैरेलल में मूवी के भी दृश्य चल रहे होते हैं कि हाँ देखो यहाँ पर ऐसे हो रहा है, श्रीलंका में ऐसे चला गया बाजीराव सिंघम अपनी वाइफ को बचाने। तो ऑब्वियसली अब वो क्या अपनी वाइफ को बचा पाएगा, और इसके लिए सिंघम क्या करता है, पूरी सुपर कोप की टीम मिला लेता है ताकि जाकर उस अकेले इंसान या फिर जो विलन है उसको मार कूट कर अपनी वाइफ को वापस लाए। अब देखने वाली बात होती है कि क्या वो अपनी वाइफ को बचा पाता है कि नहीं बचा पाता। मुझे लगता है कि कोई भी आंख का अंधा आदमी वो ये बता सकता है कि हाँ इसकी एंड में क्या होने वाला है। हाँ, जो अकल का अंधा है, जैसे इस मूवी के मेकर्स हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, आंख का अंधा तो आदमी बता सकता है कि मूवी की एंडिंग में क्या होने वाला है। इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल छोड़ो यार, इस मूवी के अंदर कहानी कहां है मुझे तो ये बता दो। और ऊपर से देखो, इन्होंने रामायण या फिर कहूं हिंदू धर्म का यूज करते हुए लोगों से भीख मांगी कि इनकी मूवीज देखने चले जाओ। देखो भैया, हम हिंदू धर्म के बहुत बड़े रक्षक हैं, हम हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, हम इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं, इस तरीके के बॉलीवुड ने अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश की है इस मूवी में। लेकिन नहीं, बॉलीवुड तो अपनी हरकतों से देखो कभी बाज आया नहीं है। आज हिंदू धर्म को एक तरीके से इन्होंने अपने पैसे कमाने का साधन यूज करते हुए यहाँ पर इस मूवी में यूज किया, तो इसको जनता बहुत अच्छे से समझ भी जाएगी। और नहीं समझेगी, थोड़ा बहुत हम जैसे जो छोटे मोटे लोग हैं वो कोशिश कर ही रहे हैं ताकि बॉलीवुड का जो घटिया एक बेकार मानसिकता वो लोगों के सामने आती रहे। तो देखो, इस मूवी से लॉजिक का तो कोई भी लेना देना नहीं है। अब देखो, ये कहानी होगी, अब बात करते हैं इस मूवी में क्या अच्छा है। वैसे अच्छा बोलते हुए मेरे होंठ कांप रहे हैं, मतलब सोचो यार, इस घटिया इस महान बेकार मूवी को देखने के बाद, इसको झेलने के बाद, इसमें सर दर्द करवाने के बाद, जब घर पे आके इस मूवी को वापस याद करो, एक होता है ना हमारे साथ बहुत घटिया चीज हो जाती है फिर हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। यहाँ तो मेरे साथ ऐसा होता है, एक तो इतनी वाहियात मूवी देखकर आओ, फिर उसके बारे में लिखना होता है, और लिखने के लिए मुझे वो सब चीजें वापस याद करनी होती है कि यार हाँ क्या चल रहा था, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, वो चीज वापस सोचनी पड़ती है। उससे बड़ा टॉर्चर मेरे लिए क्या होगा, जो इतनी बेकार मूवी देखने के बाद उसके बारे में मुझे लिखना भी है, और उसमें लिखने के लिए मुझे अच्छा लिखना है इस मूवी के बारे में। तो अच्छे के लिए तो बस ये कह सकता हूँ कि देखो, रणवीर सिंह का एक छोटा मोटा एक सीन आता है जिसमें वो फोटो खिंचवाते हैं, वो थोड़ी बहुत अतरंगी टाइप की होती है, उसको देखकर बस मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई थी, बस वही अच्छा है यार। कि इससे ज्यादा तुम अच्छा बोल ही नहीं सकता इस मूवी में, सच कहूं अगर बोला तो यार मुझे उल्टी आ जाएगी। तो ये होगी इस मूवी की अच्छी अच्छी बातें। अच्छी अच्छी बातों के बाद अब आते हैं इस मूवी में कमियां क्या हैं। इस मूवी के मेकर्स मुझे लगता है कि जनता को बहुत ज्यादा बेवकूफ समझते हैं, हालांकि वो खुद हैं, खुद वो अकल के अंधे हैं, खुद वो एकदम उनके पास बुद्धि तक नहीं है, लेकिन वो जनता को ये समझ रहे हैं कि हाँ ऑडियंस तो पागल है, हम जैसी घटिया बिना सर पैर की बिना डायरेक्शन के बिना स्टोरी के अगर मूवी बनाएंगे तो ऑब्वियसली जनता देखने ही आएगी। और इसके स्टार्टिंग से, इसके फर्स्ट सीन से इस मूवी के आपको पता चल जाएगा ये मूवी कितनी बड़ी डिजास्टर है। मतलब सच में मैं इस मूवी को टट्टी तो कहूंगा, लेकिन मुझे इस मूवी को गाली देने का भी मन है, मां बहन की इसको मूवी को गाली दे दूं, लेकिन क्या करूं, शक्तिमान से प्रॉमिस जो कर रखा है इस मूवी को गाली भी नहीं
दे सकता, वरना सच में इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इसके स्टार्टिंग के इसके फर्स्ट सीन से ही मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी सी अनकंफर्टेबल फील होने लगा, यार क्या बना रहे हो, यार क्या दिखा रहे हो। अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को इस मूवी की कहानी के बारे में बताऊं ना, तो बाजीराव सिंघम जम्मू कश्मीर में कहीं खड़ा होता है, फिर वहीं पर अचानक से उसके ऊपर हमला होने स्टार्ट हो जाता है। दूर दूर तक कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन एकदम से वहां पर हमला होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ आतंकवादी अजय देवगन होता है साथ में, उसके पीछे कुछ कॉप्स और होते हैं, मतलब आर्मी होती है, तो उसके काफिले के ऊपर जब वो हमला कर देते हैं तो अजय देवगन या फिर जो बाजीराव सिंघम है वो अकेला आकर सभी आतंकवादियों को मार देता है, और उसके एक आतंकवादी बच जाता है जैकी श्रॉफ, उसका पीछे करने के लिए अकेला ही गाड़ी लेके चला जाता है। हालांकि इतनी ज्यादा संख्या के अंदर वहां पर फोर्स मौजूद थी, मुझे तो लगता है कि बाकी की फोर्स बस ऐसे ही भर्ती हुई होगी यहां पर आर्मी के अंदर पैसे के लिए, उनको तो कोई लेना देना नहीं होगा ड्यूटी से। लेकिन हां, यहां पर बाजीराव सिंघम काफी ज्यादा ड्यूटी करते हैं, उन्हीं को प्रमोशन चाहिए, वही चल दिए एक अकेले इंसान को पकड़ने के लिए। कमाल हो गया यार, इतनी वाहियात कहानी स्टार्टिंग से, और इसकी स्टार्टिंग तो है ही महाबकवास, इसकी एंडिंग उससे भी महाबकवास है यार। मतलब समझ लो रोहित शेट्टी ने जो एक एक्टर्स हैं इस मूवी के अंदर उन सबको पकड़ा दिए गन, कि भी लो भैया गन लो, आराम से आप इस फील्ड के अंदर घूमिए, हम बस कैमरा ऊपर लगा देंगे, नीचे लगा देंगे, सामने लगा देंगे, बस क्या करना है, रिकॉर्डिंग ही तो करनी है, देख लेंगे जनता, बस ऐसी बकवास ही देखनी होती है जनता को, जनता के पास आईक्यू तो है नहीं, बस कुछ भी वो बकवास देखकर हां ताली बजाकर सीटी बजाएगी वहां पर थिएटर्स के अंदर और इस मूवी को वापस 200-300 करोड़ पर पहुंचा देगी, और हमें प्रोत्साहन मिल जाएगा एक को टट्टी लाने के लिए, और जो भी कैरेक्टर्स हैं लास्ट के अंदर बस ऐसे घूम रहे हैं उस फील्ड के अंदर, वो आतंकवादी पकड़ने और आतंकवादी को मारने नहीं आए हैं, बस पिकनिक पे आए हैं, बस वही घटिया डायलॉग वहां पर चल रहे हैं। और मुझे ऐसा फील हुआ कि मेकर्स ने कोई कहानी नहीं लिखनी थी, बस इन्होंने अजय देवगन, अक्षय कुमार, करीना कपूर होगी, दीपिका पादुकोण होगी, रणवीर सिंह हो गया, टाइगर श्रॉफ हो गया, और भी कोई बाकी बच गया होगा, तो इन सबको इसलिए इकट्ठा कर लिया कि देखो भैया हमने इतने सारे एक्टर्स बुलाए हैं, हमने कोलैब कर लिया है इतना बड़ा, तो आओ इनके नाम पर ही आ जाओ यहाँ पर मूवी देखने। और फिर इन्होंने हिंदू धर्म का सहारा लेते हुए भीख मांगी है कि यार आ जाओ यार हमारी मूवी देखने, हमारी तो ऑलरेडी स्थिति गिर चुकी है, हमने लोगों के सामने अपना नाम खराब कर चुका है। बॉलीवुड ऑब्वियसली इस हद तक जा चुका है कि उसको कोई भी देखना ही पसंद नहीं कर सकता, चाहे कोई भी मूवी निकाल दे, कुछ इक्का दुक्की मूवी जो है वो इसकी अच्छी आती है, लेकिन ये रिमेक के नाम पर भी टट्टी ही बनाते हैं, इनको और कुछ भी आता नहीं है, बस रिमेक उठाएंगे कोई भी मूवी, इनको लगता है कि जनता ने किसी और मूवी को तो देखा ही नहीं होगा, शायद जनता बाहर की हॉलीवुड मूवीज को या तमिल मूवीज को या साउथ की मूवीज को देखती ही नहीं होगी, पागल है जनता नॉर्थ इंडिया की, तो बस हाँ हम रिमेक बना देते हैं, वही समझदार है, वही समझदार गधे हैं यहाँ पर, तो वो बना लेंगे मूवीज को और जनता के सामने परोस देंगे। लेकिन नहीं 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 ऐसा नहीं होने देंगे, जनता को बताएंगे कितनी महान बकवास इन्होंने बनाई है और हिंदू धर्म के नाम पर ये लोग भीख मांग रहे हैं यहाँ पर इस मूवी के अंदर। लिटरली आपको ऐसा ही फील होगा, मतलब इतना फेक पेट्रोइज्म, इतनी फेक वो हिंदू धर्म के प्रति इसके अंदर आस्था, आपको साफ झलक जाएगी, लोग समझ जाएंगे कि कितनी घटिया इनकी हरकत है यहाँ पे। फिर इसके अंदर अगर कॉमेडी सीन की बात करें, कॉमेडी इसमें कॉमेडी है यार, उसको देखकर हंसी आती है, मुझे हंसी आती है इस मूवी के मेकर्स के ऊपर, क्या बनाया यार तुम लोगों ने, सोच कर एक बार, अगर तुम्हारे पास कोई समझदार इंसान हो तो उसको अपने साथ बिठाओ और पूछवाओ कि कैसी है मूवी, मुझे लगता है वो समझदार इंसान तुम्हारे मुंह पे दो खींच के और जाएगा कि क्या दिखा रहे हो यार, क्या बना के रख दिया। फिर इसके बाद अगर इसके एक्शन की बात करें, पर क्या एक्शन है यार, वाह क्या एक्शन, मतलब किसी इंसान ने आज तक वैसे एक्शन सोचे ही नहीं होंगे जो इस मूवी में हमें देखने को मिल गया। कैमरे ऊपर नीचे दाएं बाएं कर दो, बस हाँ बन गया एक्शन, बस यही तो एक्शन है यहाँ पर, सच में काम तो करना थोड़ा ना एक्शन के ऊपर, हमें तो बस लिख कर दिखाना है। अरे एक्शन बहुत बड़े, अक्षय कुमार आ गए, देखो देखो एक्शन किंग आ गए यहाँ पर, हम तो एक्शन लगा देंगे यहाँ पर, हाँ रोहित शेट्टी है गाड़ियां उड़ा देगा, और बहुत बड़ा एक्शन हो गया यहाँ पर, वाह 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 यार कमाल, तालियां बजा दे इस चीज के लिए। तो फिर इसके VFX इतने घटिया, इतने चीप VFX है, अबे एक्टर्स कम ले लेते थोड़े बहुत VFX पे काम कर लेते, स्टोरी पे काम कर लेते, लेकिन नहीं हमें तो कोलैब करना है, सारे एक्टर्स लेके आने हैं यहाँ पर, वही अपना गुड़ गोबर करके दिखाना है, और उन्होंने वही तो कर दिया यहाँ पर। और ऊपर से इन मेकर्स ने सोचा यार जनता और ज्यादा पागल है, हम झूठे रिव्यू, झूठे बुक माई शो के ऊपर, IMDb के ऊपर झूठे कॉमेंट डालवा देते हैं, लोगों को ये बता देते हैं अरे इसमें तो 10 में से 10 मिले, वाह वाह क्या एक्शन वाली मूवी है, देखिए कितनी फनी मूवी है, कितनी बढ़िया स्टोरी है, अबे थू घंटा बढ़िया स्टोरी है यहाँ पर, गुस्सा आ रहा है सच में, मतलब इस फ्लो के अंदर मेरे से गाली ना निकल जाए, ऐसी फीलिंग हो रही है, बस मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा है। देखो ओवरऑल अगर इस मूवी की बात करूं, आपके अपने पैसे अपने मेहनत से कमाएं, जरूरत नहीं है इस जैसी घटिया इसी वैसी वाहियात मूवी को देखने की। ऑब्वियसली यार देखो इस जैसी मूवीज को अगर आप देखेंगे, आपने इन जैसी मूवीज को प्रोत्साहन दे दिया, वही अगर ये मूवी 200-300 करोड़ या 400 करोड़ रुपए कमा के चली गई, तो इन जैसे घटिया वेले लोगों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिल जाएगा कि हाँ यार बुद्धिहीन लोगों को और ज्यादा मूवी बनाने लग जाएंगे इस जैसी इस तरीके की घटिया मूवी की। देखिए यार किल जैसी मूवी इतनी बढ़िया मूवी है, इतने बढ़िया एक्शन है, उस जैसी मूवी को इतना प्रोत्साहन नहीं मिला, इस जैसी वाहियात मूवी को आप प्रोत्साहन देंगे तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपके अपने पैसे बहुत मेहनत से आपने कमाए, बहुत मेहनत लगती है उन रुपयों को कमाने में, तो इन जैसी घटिया मूवीज के ऊपर आप बिल्कुल भी उन रुपयों को वेस्ट ना करें, अपने परिवार के साथ अपने घर पे उनके साथ टाइम स्पेंड करें, इवन उन रुपयों को आप किसी को दान भी कर दीजिए, वो आपको उसके लिए दुआ ही तो देगा, लेकिन यहाँ पर आप इस मूवी को देखने जाएंगे तो आपको सर में दर्द ही मिलेगा, तो ये आपका अपना डिसीजन है। मेरी तरफ से तो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 0/10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखी तो आप बहुत बड़े सरदर्द से बचे हुए और अपने आप को बचाए रखें, अपने आप को बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं और अपने फैमिली को बचाएं इस जैसे वायरस से।
से, इस जैसी घटिया चीज से। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।